मूसलाधार व वा सिलसिलेवार बारिश की वजह से शहर हैदराबाद की सड़कों का हुआ वही हजब रिवायत बुरा हाल जगह जगह पानी जमा हो जाने की वजह से पेश कर रहे हैं तालाबों के जैसे मनाजिर हालात को देखते हुए खातून मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी भी आई अब सड़कों पर और फिर पानी से मुतासर रोड्स का किया इन्होंने मुआयना जी हाँ ये वही शहर हैदराबाद है जिसे डल्लास और इस्तनबॉल की तरह बनाया जा रहा है और फिर इसकी सड़कें भी तो बहुत ही ज़्यादा आलिशान नज़र आ रही है जहाँ पर आवाम को किसी भी तरह की कोई तकलीफ तक नहीं रहती मगर जब जब भी बारिश हुआ करती है वही चुप चुप के डल्लास और चुप चुप के इस्तनबॉल यानी हैदराबाद की सड़कों का हजब रिवायत बुरा हाल हो जाया करता है जहाँ बस पानी ही पानी जमा हो जाता है जिसकी वजह से हमारे डल्लास और इस्तनबॉल की सड़कें मिनी स्विमिंग पूल की शक्ल भी अख्तियार कर लेती है और फिर यहां से आने जाने में आवाम को भी काफी तकालीफ पेश आया करती है इसके अलावा गाड़िया वगैरह भी डलास और इस्तनबोल की सड़कों पर मौजूदा इन मिनी स्विमिंग पूल्स में डूब जाया करती हैं इन सब हालात को देखने के बाद हैदराबाद शहर की खातून मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने बलकम पेट और दूसरे मुकाम का दौरा किया जहाँ इन्होंने वाटर लॉगिंग का मुआयना किया और फिर इस मौके पर जी एच एम सी हमले को जल्द से जल्द वाटर लॉगिंग के प्रॉब्लम को खत्म करने की भी हिदायत दी है जिस पर एक बात बता देना जरूरी समझा जाता है कि इस तरह की तकालीफ सिर्फ और सिर्फ बारिश के मौसम में ही पेश आया करती है अगर बारिश के आगाज से पहले ही इस तरह के प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया गया तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता था फिर भी इस पर आप सबका क्या कहना है कॉमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना